हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम सिंह, वर्क एज अ साइंस टीचर इन एम इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 10 लाइफ प्रोसेस। सो स्टूडेंट, एज वी नो दैट कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ डेली प्रोसेस ज़रूरी हैं, लाइक दैट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। ये डेली रूटीन की प्रोसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। अब इस बेसिस पर लाइफ प्रोसेस को सब डिवाइडेड कर दिया है अलग अलग पार्ट्स के अंदर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है। सो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास दैट न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स, कि ऐसी प्रोसेस जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या ऑब्टेन करे, अपना न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड यूटिलाइजेस फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, और उस न्यूट्रिएंट्स जो उसने ऑब्टेन किए हैं उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करें, एनर्जी ऑब्टेन करने में एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज, और अपने टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। ओके, दिस न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड इन टू टू मोड्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अब न्यूट्रिशन को भी दो अलग अलग मोड में सब डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक, कि ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक जो मोड है वो अपने एनर्जी ऑटोट्रॉफिक मोड को हम पढ़ेंगे कि दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज परफॉर्म बाय ऑटोट्रॉफ्स, कि ये जो मोड है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, या ऑटोट्रॉफ के द्वारा। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं, खुद ऑब्टेन करते हैं, खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, जिसे हम प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं, जो अपना खाना, जो अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। अब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑटोट्रॉफ क्लासिफाइड एज, अब सोर्स एनर्जी के बेसिस पे ऑटोट्रॉफ्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड कैमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इन दिस ग्रीन प्लांट्स फुलफिल देयर कार्बन एंड एनर्जी नीड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपनी कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरा करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस के अंदर मेन रोल कौन प्ले करता है, सनलाइट, यूजिंग सनलाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सनलाइट, जिससे वो अपना कार्बन और एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप कैमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, क्या होते हैं ये, कि सम बैक्टीरिया यूटिलाइजेस केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ सनलाइट टू सिंथेसिस देयर फूड, कि कुछ बैक्टीरिया सनलाइट को यूज़ ना करके उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, और किस लिए, अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए। ऐसे ऑटोट्रॉफ्स को हम किस नाम से जानते हैं, कैमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, थैंक यू।